सतवास नगर में पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर के लोग थाना प्रभारी के पक्ष में हैं और उनका स्थानांतरण ना हो इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने देवास पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि विगत दिनों जिला देवास में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत थाना प्रभारी के तबादले हुए, जिसके तहत कांटाफोर थाना प्रभारी हीना डाबर को भी अन्यत्र जगह पदस्थ कर दिया गया है। लेकिन स्थानांतरण को लेकर कांटाफोर नगरवासियों ने नाराजगी जताई है। नगरवासियों का कहना है कि वर्तमान में थाने पर संख्या कम होने के बावजूद भी थाना प्रभारी मैडम की कार्य करने की शैली सर्वोच्च और उचित है। कांटाफोर सीमा क्षेत्र अधिक होने के बावजूद भी कोई भी बड़ी वारदात नहीं होती है। थाना प्रभारी मैडम के व्यवहार और कुशल रवैये के कारण सभी लोग खुश है। क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई गंभीर अपराध होता है तो वहां जल्द उसका खुलासा करती है, उचित कार्रवाई भी करती है। सतवास से संवाददाता बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। थाना प्रभारी स्थानांतरण निरस्त करने हम सभी सर्वसहमति से निवेदन करते हैं कि वर्तमान कांटाफोर थाना प्रभारी के रूप में हीरा डावर मैडम, जिनकी कार्यशैली सजगता संवेदनशीलता से हमें समस्त नगरवासी के साथ साथ क्षेत्रवासी शत प्रतिशत संतुष्ट है। साथ ही सर्व दीवार में शांति की व्यवस्था व्याप्त है। क्षेत्रवासी स्वयं को सुरक्षित शांति श्रीता में अच्छा महसूस करते हैं। साथ ही थाना क्षेत्र में गंभीर अपराधों में माननीय थाना प्रभारी महोदय ने अपनी कार्यकुशलता और कुशल नेतृत्व में सफलता पाई है। नगर में कानून व शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी। नवोदय विद्यालय चंदकेसर बाद में लापता युवक सकुशल विद्यालय परिवार में लौटा। जब दिवस हथौड़ी मटर केस अल्प समय में अपराधी का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई। क्षेत्र में वर्तमान में एमईडीए जल योजना संकट, ठेकेदारों को बड़ी चोरी होने की समस्या का समाधान अल्प समय में करके चोरों को पकड़ा। गत दिवस गोदला मुहि डकैती के मामले में